आवर चैनल पवन प्रॉपर्टीज। तो यार आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाने आए हैं सेक्टर 72 में। और ये जो आज फ्लैट है ना यार, लिटरली 4 BHK का फ्लैट हम आपको दिखाएंगे अफोर्डेबल स्कीम में। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इसकी रोड और इसकी लोकेशन। मेरे आसपास एक बार देख लो, बहुत ही चौड़ा रोड आपको मिलने वाला है। मेरे पीछे देखोगे अच्छा खासा बना हुआ प्रॉपर वेल डेवलप्ड एरिया है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो में आपको लेके चलते हैं हम सीधा अब अंदर और मिलवाते हैं हम आपको राहुल भाई से। जी हाँ, बहुत टाइम बाद वो हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींचते हुए सबसे पहले बोलूँगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब आके कर देना यार, ठीक है, कोई कमी मत छोड़ना। तो आइए राहुल भाई को अपने साथ बुलाते हैं। तो यार राहुल भाई आ जाओ आप, क्या हाल है? मोस्ट वेलकम है सभी दर्शकों का। हाँ, बहुत टाइम बाद राहुल भाई हम हमारे साथ जुड़े हैं। और इस जुड़ने पे आज आपको जो चीज दिखाने वाले ना बहुत ही बेहतरीन है, मेरे आईफोन 12 के जैसे। चलिए फटाफट अंदर आपको लेके चलते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं 4 BHK लग्जरियस अफोर्डेबल फ्लैट में। तो आइए। बिल्कुल। एंट्रेंस तो आपने देख ही ली होगी, बहुत ही गजब का। तो यार अंदर आ चुके हैं, अब पूरे फ्लैट की गाथा हमारे राहुल भाई सुनाएंगे प्रॉपर डायमेंशंस के साथ। हम आपको हर एक रूम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो ये वीडियो की डोर मैं पकड़ाता हूँ राहुल भाई को और वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थैंक यू निखिल, एंकरिंग करने का मुझे आज काफी दिन में मौका मिला है। बाकी मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह से अपने दर्शकों को करूंगा। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, आदाब। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को पता है कि सेक्टर 72 है, काफी डेवलप्ड एरिया है। 45 मीटर रोड से प्रोजेक्ट की एंट्री है। और अभी अब हम जो जिस प्रोजेक्ट पे आए हैं 4 BHK का प्लान कर रहे हैं। टोटली इसमें 4 BHK का प्लान है, 2 BHK भी है इसमें, उसका सैंपल फ्लैट अभी बना नहीं है क्योंकि ये फ्रेश प्रोजेक्ट है। सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट है जिसकी आपको केवल बुकिंग करनी है उसकी विजिट के बाद, जब आपको विजिट फ्लैट अच्छा लगे। इसके बाद थोड़ा मैं फ्लैट का एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। तो यार सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो थोड़ा, मैं पवन को बोलूंगा अपने कैमरामैन पवन भाई एकदम पीछे हो जाओ और एक बार वाइड एंगल से आप इस पूरे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को अच्छे से निहाल लो, अच्छे से। और सबसे पहली बार और सबसे एक चीज मैं पहली बता देता हूँ यार, ये है डेमो फ्लैट। तो ये मत बोलना कि भाई दिखा ये और मिला कुछ और। ये तो हालांकि हमारे दर्शक लगभग सारे एक्सपीरियंसड है और जो लोग लेने आते हैं, बुकिंग कराने आते हैं, उन्हें सभी को मालूम होता है, ऑब्वियसली आए हैं हमारे पास जो भी। तो ये एक तरीके से डेमो फ्लैट है। बिल्डर आपको रॉ फ्लैट दे देगा और ये उसमें दिमाग दे दिया, आप सेम एज इट इज बनाना चाहते हो एज इट इज बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इस ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का मैं भाई आप मेरे को बताओ कि ये डाइमेंशंस कितने मैं बता देता हूँ। टोटल जो हमारा फ्लैट है 4 बीएचके का प्लान कर रहे हैं, लगभग 1800 स्क्वायर फीट एरिया है उसका। 1800 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है जिसमें से आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वो 21x11 है, बहुत बड़ा है। 21x11 का यार ड्राइंग एरिया। और इसी के साथ अगर आप देखोगे मेरे पीछे डाइनिंग टेबल, एक 6 बंदे के लिए डाइनिंग टेबल ना बहुत ही बढ़िया चीज है। यहीं से अगर आप देखोगे किचन, इसके साथ हम किचन ओपन किचन। और किचन का भाई कितना क्या डायमेंशन है? किचन का डायमेंशन बता देता हूँ, लगभग 10.5x7 की आपकी किचन है। और जो हम किचन दे रहे हैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये मॉड्यूलर किचन आपको प्रोवाइड करके देंगे। अब वो डिपेंड करता है कौन से फ्लोर पे क्या इन्वेंट्री मिलती है आपके पास, वो डिपेंड करता है। बाकी हम स्लैब डाल के देंगे, ये आपके कुछ कैबिनेट्स हैं ये बना के आपके दूंगे। सिंक आपको मिलेगी प्रॉपर, इसमें भी आपको वेल फर्निश्ड कनेक्शन मिलेगा जो जिसमें हमने पॉइंट्स दे रखे हैं। और तो यार मतलब एक तरीके से ना आपको सेमी किचन यहाँ पे मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट में। अब यहीं से मैं आपको एक्सेस कराना चाहता हूँ इसकी पहली बालकनी में, जो कि किचन से और ड्राइंग एरिया से आपको दोनों कनेक्ट करती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लाइट्स के बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो आपको चौड़ी रोड दिखती है। वीडियो में हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, चौड़ी रोड है, 45 मीटर ऑन रोड है और पूरे फरीदाबाद के सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंदर कॉस्ट तो हम लास्ट में इसकी डाल देंगे, कॉस्ट काफी इफेक्टिव है, कॉस्ट अच्छी है, आराम से लास्ट में रहेगी। हाँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और जिल तड़गड़े तरीके से कर दो यार। जो लोग बने हुए हैं एंकरिंग का थोड़ा बहुत मौका मुझे भी कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं बता दूं जो लोग लास्ट तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं वो हमसे प्रॉपर्टी लेने में सफल हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी है, उन्होंने देखा है, एक्सप्लेन किया है, फिर उन्हें एज इट इज जो वीडियो में हमने बताया वो उन्होंने देखा भी है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि उससे क्या है कि आप खुद भी मोटिव होते हो। हमारा तो मोटिव मैन ये होता है कि आपका जो जेब खर्च, सॉरी जेब जितना आपको अलाउड करता है उतने बजट में आपको एक घर मिले। मेन चीज क्या होती है ना कि यार वीडियो के एंड तक बने हुए में एक चीज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको रहती है कि आपको हर एक डायमेंशन अच्छे से पता चलेगी और आपको प्राइसिंग जो हम प्राइस बता रहे हैं वो आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में जो काफी एक्सपेंसिव था, वैसे मास्टर बेडरूम का भी नाम दिया हम लोगों ने, बिकॉज इसमें आप देखोगे आपके ये टॉयलेट्स हैं। तो यार एक तरीके से ये ना मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्राइंग रूम के साथ पहला रूम है, आप इसको अपना गेस्ट रूम बना सकते हो, ठीक है। गेस्ट रूम में आपको एक लेआउट दे दिया है, यहीं से आपकी बालकनी का भी मास्टर बेडरूम के साथ आपकी ये वाली बालकनी है जो आपको थोड़ी वाइड एंगल से दिखेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ जिसका रुख हम अपने टॉयलेट से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं हम आ जाते हैं। इसके बाद आप इसका बच्चों का यूटिलाइज रूम भी कर सकते हो, स्टडी रूम है, आप बच्चों का रूम बना सकते हैं, दो बेडरूम उसमें उस तरीके से दे रखे हैं और बाकी इसमें भी बालकनी का स्पेसेस है वो आपको बता देता हूँ। ये वाला जो टॉयलेट है ये मास्टर बेडरूम के साथ किड्स रूम के साथ भी अटैचमेंट है इसकी। इसके अलावा हम आ जाते हैं इस वाली बालकनी में जो हमारा सेकंड बेडरूम की बालकनी, काफी बड़ी बालकनी है, लगभग 100 स्क्वायर फीट से ऊपर ऊपर बालकनी है जो केवल हमारे दो बेडरूम के साथ टच है। राहुल भाई जी, हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है, यहाँ पे और इससे पहले वाले रूम में इस रूम का साइज और उस रूम का साइज भी पहले हम बता के चलते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास्टर बेडरूम जो आपको दिखाया था उसका 12x11 बहुत अच्छा साइज है, ये किड्स रूम है, इसका 11x11 के आसपास 10.5 के आसपास इसका डायमेंशन हमारा बनता है। मतलब एक तरीके से मान के चलिए 10x10 अगर मैं इसका बताऊँ तो प्रॉपर एक 10x10 का एरिया है। यहाँ से हम अपने थर्ड बेडरूम के पास एक्सेस करेंगे। रियल मायने में देखा जाए तो आप मास्टर बेडरूम इसको कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा निखिल भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसके साथ हम वार्डरोब स्पेस दे रहे हैं। वार्डरोब स्पेस काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से वो ऑलरेडी हमारे पास इसमें सेटल्ड है। पहली चीज भाई, वार्डरोब्स बनाने का स्पेस दे रहे हैं, टेबल स्पेस दे रहे हैं, ये बनके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आप सेम एज इट इज बना सकते हैं एज मैचिंग। यहीं से अब मैं आपको लेके चलूंगा इसकी बालकनी। अगर फिर आप अगर बोलोगे फॉरगेटिंग वाली बात तो इसका साइज बता देता हूँ, 13x11 ही है, उससे भी बड़ा है, क्योंकि डायमेंशन मोस्टली निखिल भाई ने पहले ही बताया कि डायमेंशन बहुत जरूरी है वीडियो के लिए। तो इस रूम के बाहर जाने से पहले मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम देखोगे ना यार, वो बहुत ही खुला डुल्ला वॉशरूम है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले क्वेश्चन मैं करूंगा राहुल भाई से ये कि भाई हमने सब कुछ अपने ग्राहक को बता दिया है ना, तो लास्ट में हमारा एक रूम बचा है, एक उस रूम को दिखाने के बाद आपको हमारी जो क्वेश्चनिंग है राहुल भाई से वो पूरी प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो आपके डाउट्स भी उसमें मिट जाएंगे कि भाई ये डाउट है वो डाउट था, सब मिट जाएगा। ये हमारा, इसे भी आप थर्ड मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, ये हमारा लास्ट फोर्थ रियल में मास्टर रूम, ठीक है। मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया किंग साइज बेड, ठीक है, पीछे एक प्रॉपर आपको सीनरी बना के। सबसे अच्छी बात बता दूं, इसमें भी आपको वार्डरोब्स का स्पेस इसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है। देखता हूं, मतलब एक तरीके से मैं बताऊं ना
और वर्ड ऑफ स्पेस भी आप देखो काफी एक्सपेंसिव है, थोड़ा वीडियो को इधर बहुत बहुत खुला डुल्ला है, काफी बनाओगे ना इसके अलावा दो कैबिनेट्स ऊपर है हमारे, ये भी हम आपको यूटिलाइज करके देंगे। हाँ, और मतलब ना इस बिल्डर ने आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा दिमाग दे दिया है अपना रूम एक्सेस कराने के लिए, अपना रूम दिखाने के लिए कि कैसे बना सकते हो। यहीं से इसका आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम भी ना बहुत बड़ा है, अच्छा खासा है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। और वॉशरूम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जैसा देखा आपने एज इट इज जो आपको फिटिंग्स इसमें मिल रही है, सैनिटरीज वगैरह जो भी मिल रही है एज इट इज आपको मिलेंगे, लाइक इक्विवेलेंट सारा जगुआर, इससे नीचे हमारी कोई भी फिटिंग किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होती। और यहीं से मैं आपको इसकी बालकनी एक्सेस दिखा देता हूँ। ये बालकनी एक्सेस आपके सेकंड बेडरूम से अटैच है, जो आपने सेकंड बेडरूम देखा था पहले ही दिखा दिया था, लगभग ये दोनों को कवर करती है, 100 स्क्वायर फीट से ऊपर ऊपर आपकी बालकनी है, ठीक है। तो ये आपका बहुत एक बढ़िया स्पेस के साथ 4 BHK है। और प्राइस का हम लास्ट में बात करें, वो प्राइस से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये है इसका प्रॉपर लैंड टोटल यहाँ पे, जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 5 एकड़ के आसपास ये टोटल लैंड है, और लगभग इसका कंस्ट्रक्शन मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम केवल बुकिंग ले रहे हैं मात्र, और लगभग बुकिंग भी हमारी 60+ पहुंच चुकी है, तो हो सकता है फ्लोर वगैरह में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए कि फ्लोर अगर आपको नीचे चाहिए तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़े, क्योंकि लोकेशन बहुत शानदार है, खुली डुली जगह है ये। और एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, आप देखोगे ये वाला साइड में जो आप दिख रहे हो, ये वाला मनसा का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कैमरा अगर जूम करूँ तो आप देखोगे KLJ का ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 77 में, जो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। और यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग है, अभी थोड़ी सर्दी की वजह से कंस्ट्रक्शन में काम रुका हुआ है, बाकी आप मार्च में देखोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन वगैरह डलनी सब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अंदर इस वीडियो को मैं राहुल भाई अंदर आपको लेके जाना चाहता हूँ, इस ये एक बार रूम साइज आप अगर इसका भी बता दो, रूम साइज बता देता हूँ बिल्कुल। हाँ। इसका सबसे बहुत अच्छा है इन बिटवीन, अगर आपको डायमेंशन कहीं देखनी है तो 2 फिट की एक टाइल होती है। अपने दर्शकों को ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना है, कल को कोई डीलर आपसे झूठ बोल रहा है ये इतना रूम है, तो आप उसकी टाइल का देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बाई कितने का रूम है। अगर हम टाइल गिनने पे आए तो वैसे मुझे पता है इसका लगभग 14x12 का इसका साइज है, लेकिन आप टाइल गिन के भी इसका अंदाजा ब्रीफली ले सकते हैं, ये मेन डायमेंशन का किसी भी उसका। ओके, तो भाई अब ना सारी बात करेंगे सोफे पे बैठ के। बिल्कुल कसम से भाई, जब से मैं आया हूँ ना मेरे को ये सोफा वो आ गया बहुत पसंद। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रक लाऊं और इसको वीडियो ले लूं। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बैठ भी नहीं सकते इस पे, कोई क्यों नहीं, मैं भी अगर इजाजत हो तो मैं भी बैठूं। अरे बैठो भाई बैठो, आप भी कर सकते हैं। तो भाई इस प्रोजेक्ट के अब मैं लास्ट चरण पे आता हूँ इस वीडियो के। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे इसकी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू पूछना चाहूंगा। उस ओवरव्यू में मेरे क्वेश्चन ये है कि ये कितना लैंड है टोटल, कितनी बिल्डिंग्स बनेंगी और कितने फ्लोर की बनेंगी। इसी के साथ साथ हमारे हर एक व्यूअर का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि भाई हमें पार्किंग एरिया लिखा हुआ पेपर पे क्या मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, और लोन का प्रोसेस कितना होगा, कैसा होगा। तो ये आप स्टार्टिंग से स्टार्ट, बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन सेक्टर 72 बहुत जबरदस्त लोकेशन है, चौड़े रोड है, खुली डुली जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपके फ्लैट के बिल्कुल जस्ट सामने, और नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया है, 400-500 गज के प्लॉट्स हैं, तो बहुत अच्छा एक व्यू आएगा आने वाले टाइम में। और अगर इसके बाद फ्लैट के साइज की बात करूँ, 18 स्क्वायर फीट में आपका 4 BHK फ्लैट्स हैं। और यहाँ के आसपास की लोकेशन की मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, सेफ्टी पर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पुलिस छावनी है, NTPC का एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे डिलीवर्ड हैं आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे, 45 मीटर रोड से एंट्री है आपके प्रोजेक्ट की, आपकी जो कनेक्टिविटी खुलती है वो सीधा आपका बाईपास से खुलती है। बाईपास का एक मेन मुद्दा मैं बता देता हूँ, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, थोड़ा गौर से सुन लें इस चीज को, ये चीज इतना अप्रिशिएट कर चुकी है फरीदाबाद को कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ दिन पहले मैंने लगभग 7-8 महीने पहले एक प्लॉट भेजा था 48,000 रुपए गज, 48,000 रुपए पर गज के हिसाब से निकाला था, आज वो 98,000 और 1,00,000 में देने को तैयार नहीं है। इसका मेन मोटो जाता है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पे,
जिसका सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, जो 16 लेन का है अभी जो ऑपरेशनल होएगा 14 लेन का है, जिसमें ट्रक की लाइन अलग रहेगी, टेम्पो और अपना बस बाइक की अलग अलग लाइन रहेगी, काफी ओवर पूरा ओवरव्यू बदल जाएगा फरीदाबाद का। इसके अलावा अगर ओवरव्यू में बात करूँ, लेआउट आपका क्लियर हो गया है, हमारी जो टोटल लैंड है जिसमें हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 5 एकड़ हमारी टोटल टाउनशिप है, जिसमें हम 10 टावर बनाएंगे। दस टावर में आपका हमारा क्लब रहेगा, जो आपको कॉस्टिंग मैं बताने वाला हूँ, इसकी जो कॉस्टिंग है फ्लोर वाइज कॉस्टिंग है इसकी 45 लाख से लेके स्टार्टिंग होके आपका 49 लाख तक 48 लाख तक 4 BHK है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अकॉर्डिंग ही पेमेंट देनी है। 5 एकड़ की टाउनशिप होगी, आपके 10 टावर होंगे, जिसमें आपका 1.5 एकड़ का बिल्कुल कॉर्नर में हमने एक ऐसी जगह दी है जिसमें आपको क्लब पार्किंग, उसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो लगभग आपको मिलेंगी। इस कॉस्ट में आपको क्लब मेंबरशिप की कोई फीस नहीं देनी, इसी कॉस्ट में इंक्लूड है। इसके साथ एक गाड़ी की पार्किंग जो आपको मैंने कॉस्ट बताई है इसी में नॉमिनेटेड है आपकी 45 लाख रुपये में, आपको एक क्लब मेंबरशिप और एक पार्किंग विदाउट एनी कॉस्ट इसी कॉस्ट में इंक्लूड है। तो इससे अच्छा बेस्ट प्राइस और इसी कॉस्ट में आपकी ये दोनों चीजें इंक्लूडेड। मैं अगर आप पार्किंग की बात करूँ तो 5 लाख रुपए की वन टाइम पार्किंग मिलती है, वो आपको फ्री मिलती है इसी कॉस्टिंग के साथ। इसके अलावा अगर मैं क्लब मेंबरशिप की बात करूँ तो लगभग 1500 से 2000 रुपए पर मंथ का खर्चा होता है क्लब का, तो वो भी आपको फ्री है इसमें लाइफ टाइम में। तो एक चीज मैं और यहाँ पे आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहूंगा भाई, कि हमारे बहुत व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस के क्या चार्जेस हैं अभी और आगे क्या होने वाले हैं। मेंटेनेंस का बता दो, मेंटेनेंस कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का नहीं होता है, जब आपका रेडी टू बिल्ड हो जाता है उस टाइम पे इस एरिया का 1.5 से 2 रुपए पर स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 18 स्क्वायर फीट का, तो लगभग 3500-3600 रुपए के आसपास, या फिर हो सकता है कि आपका 3000 रुपए के आसपास इसका कॉस्ट मेंटेनेंस आएगा। लेकिन लग्जरी चीजें हैं ये, अफोर्डेबल सेगमेंट की चीजें नहीं है। आपने जैसा देखा फ्लैट्स फ्लैट्स की वीडियो से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट्स कितना है। हाँ जी, वो तो है ही है। और दूसरी चीज़ मैं भाई यहाँ से आपको आपसे पूछना चाहूँगा कि आसपास मतलब और क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेज और मार्केट एरिया यहाँ से कितना दूर होगा? मैं बता देता, एक्सेप्ट जो यहाँ पे बनना है अंदर उससे एक्सेप्ट मार्केट एरिया यहाँ से कितने होगा? मैं बता देता हूँ, इसमें कंप्लीट सेक्टर 70 है, डेवलप्ड एरिया है ये, सेक्टर 72-73 का लिंक रोड है, एक ही लिंक रोड है। इसके अलावा हम वॉकिंग डिस्टेंस पे चलते हैं, हमारी अगर मार्केट की बात करूँ तो डी मार्ट है पूरे इंडिया के अंदर 11 ब्रांच है इसकी, जिसमें एक ब्रांच सेक्टर 75 में, सेक्टर 72 जहां हम बैठे हैं, सेक्टर 75 आपका मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप सीधा 45 मीटर रोड से निकलोगे सीधी एंट्री आपके 75 सेक्टर में होगी, जहां पे 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, काफी डेवलप्ड एरिया है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये इकलौता प्रोजेक्ट है, मनसा का इसका बिल्कुल वर्ल्ड टच है, 3 ही प्रोजेक्ट है, ज्यादा खास नहीं है, तो खुली डुली जगह है, जिसको पीसफुल थोड़ी पसंद है तो इस लोक वाली लोकेशन को मैन प्रेफरेंस देंगे, जिनको पॉल्यूशन नहीं चाहिए ये और थोड़ी कंजेस्टेड टाइप नहीं चाहिए, तो वो वाली चीजें। और सबसे अच्छी बात, एक टावर में हम केवल 4 यूनिट बना रहे हैं, तो आपको ये ऐसे ही थोड़ी खुली डुली और भी जगह मिल जाएगी, इसका थोड़ा बेनिफिट होता है। और इन बिटवीन अगर क्लाइंट्स का कोई अदर क्वेश्चन होता है, वो साइट विजिट के दौरान बेहिचक होके आप चीजें खरीद रहे हो अपने पैसे से, मतलब हम लोग यहां से मार्केट एरिया कितनी दूर? मात्र 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर सेक्टर 75 में है डी मार्ट, और यहां पे स्कूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे डी मार्ट सॉरी क्या नाम है डी मार्ट वो मॉडर्न स्कूल है, यहां पे सीधा मिलेनियम है, इसी वाली रोड जो आप सीधी रोड जाएगी ना, पेट्रोल पंप यहां पे है, इसके अलावा एमराल्ड स्कूल यहां पे है, मॉडर्न डीपीएस, शिवनादर, यहां के लिंक रोड से पहले से ही कनेक्टेड है, वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही है। तो लास्ट में मैं आपसे भाई इस वीडियो को एंड करता हूं, और एंड से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट में जो पेमेंट होगी मतलब कैसे हमें पेमेंट करनी है, पहले हमें क्या देना है और बाद में हमें क्या देना पड़ेगा, उसका एक जो भी टेन्योर है कितने साल का, वो टेन्योर पे हमें अपनी पेमेंट क्लियर आउट करनी है, वो एक लास्ट आप बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया निखिल आपने, और मैं बताना चाहूंगा टोटल कॉस्ट 45 लाख राउंड फिगर, प्रोजेक्ट पे 14 मंजिल है हमारी, 10 टावर है,
हर फ्लोर का 1-5 लेके अलग रेट है, 5-6, 6-10 अलग रेट है, 10-14 अलग रेट है। तो अलग रेट ये राउंड फिगर में 45 लेके आपको बता दिया एक तरीके से अप्रोक्स है कि 45 से स्टार्ट अप्रोक्स स्टार्ट हो जाता है। आपकी अगर क्रेडिबिलिटी एजेबिलिटी बनती है तो 80% बैंक फाइनेंस कर रहा है, PNB, ICICI, कैनरा बैंक और जो भी होम लोन करते हैं ICICI, PNB सभी से हमारा अप्रूव्ड बिल्कुल प्रोजेक्ट है, वो आप 80% लोन दे सकते हैं। बाकी इसके पेमेंट प्लान आप मात्र 5% दे के इसे आप बुकिंग करा सकते हैं, 5% केवल जो कॉस्ट है। हाँ, जो इसकी टोटल कॉस्ट है राउंड फिगर में आपका 2.5 लाख रुपए की समथिंग पड़ेगी, 2.5 लाख रुपए देके आप इसे बुक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 45 दिन बाद आपसे एक अलॉटमेंट जनरेट होता है, 45 दिन बाद हम आपको एक अलॉटमेंट देंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे हम आपसे डिमांड करेंगे 10% की, अदरवाइज किसी बिल्डर ने 25% 20% का टाइम पे होती है, लेकिन इस बिल्डर ने 10% ही रखा है, तो केवल जो आपकी पॉकेट से जानी है वो 15% जानी है। फिर जैसे ही हमारा मार्च में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो स्लैब बाय जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है वो आप लोगों के लिए नया है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कैसे होता है, वो स्लैब डलती है फर्स्ट फ्लोर स्लैब सेकंड थर्ड, वो उस हिसाब से 5-5, 10-10% का टाइम दे रखा है जैसे जैसे हमारा। ठीक है, तो वो एट अ टाइम ऑफ बुकिंग जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास है पूरा ब्रोशर आएगा, उसी ब्रोशर में ये आपको सारे पेमेंट टर्म्स मिलने वाले हैं। तो राहुल भाई से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है राहुल भाई, मिलते हैं। ऐसे ही बने रहो, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था किसी वजह से, कोई दिक्कत नहीं, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। ठीक है, अगली वीडियो में जल्दी आएंगे। ठीक है, ओके भाई। तो यार इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यार ये वीडियो देख के ना कसम से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तबा के कर दो यार, कसम से आपके प्यार में बहुत ज्यादा कमी हो रही है, व्यूज मिलियन बिलियन में करवा दो यार। ठीक है, टिल देन जय हिंद जय भारत।